स्टूडेंट, अब टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं। अगर इसको करना है, पावर में दिया अपन को तो अपन 3 की पावर 2, इसको अपन को इवैल्यूएट करना, मतलब शॉर्ट मतलब खोल के लिखना है। जैसे देखिए कैसे, तो 2 अपॉन 3 इंटू 2 अपॉन 3, 2 दिया था इसलिए अपन ने 2 टाइम्स लिख देंगे लोगों को। 2 अपॉन 3 1 और 2 अपॉन 3 2 टाइम्स, तो मतलब ये हो गया 2 टाइम्स। फिर क्या करना है अपन को, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 2 ज़ा क्या होता है 4 और 3 3 ज़ा क्या होता है 9। पहले इसको अपन को ओपन करना है इसको मल्टीप्लिकेशन में और फिर मल्टीप्लाई कराना है। क्या बना 4 अपॉन का 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 अपॉन 5 की पावर 4, तो मीन्स 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 5, मीन्स 3 को 4 टाइम्स राइट करना है और 5 को 4 टाइम्स राइट करना है, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9 9 9 ज़ा 81, ये हो गया, ठीक है। 5 5 ज़ा 25 5 5 ज़ा 25 25 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो क्या आएगा 625। तो क्या आंसर बना हमारा 81 अपॉन 625। नेक्स्ट देखिए, ये दिया अपन को 7 अपॉन 6 की पावर 3, तो क्या करेंगे इसको 7 अपॉन 6 7 अपॉन 6 इंटू 7 अपॉन का 6, क्या करा 3 टाइम्स राइट कर दिया। पावर 3 थी, जितनी पावर दी होगी उतने टाइम्स राइट करेंगे फिर अपन मल्टीप्लाई करेंगे। 2 था 2 टाइम्स राइट करा मल्टीप्लाई करा, 4 था 4 टाइम्स लिखा मल्टीप्लाई करा, 3 था 3 टाइम्स राइट करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 और 49 मल्टीप्लाई बाय 7, तो क्या हो जाएगा अपना 343 करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, 6 6 36 36 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 216। तो ये क्या था अपना, इवेलुएट द फॉलोइंग, मतलब पावर जितनी दी है उसको उतनी उसमें मल्टीप्लाई में ओपन करके और उसका मल्टीप्लाई करना, ठीक है।